वेलकम टू इंग्लिश सागा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस तीन तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। प्रेजेंट टेंस यानी जो काम अभी होता है, जो काम अभी चल रहा है इस टाइम में। प्रेजेंट टेंस के चार सब पार्ट्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम इन चारों टेंसेस की फॉर्म्स को सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, ड्रिंक, पेंट, लाइक, सर्व, कुक, ये होती हैं फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से एस या ई एस लगाते हैं। जैसे सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट और किसी नेम के साथ हम वर्ब में एस या ई एस डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब लगाते हैं। दे, आई, वी, यू, इन सब के साथ हम एस नहीं लगाते वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू द मार्केट, डेविड लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, साक्षी ड्रॉज ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, आई गो टू जिम थ्राइस अ वीक। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब जो काम अभी चल रहा है, ऑनगोइंग काम जो है उसमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। जो काम अभी चल रहा है मतलब प्रेजेंट में है, इसलिए टेंस हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing plus object। I repeat, subject plus is, am, are plus verb first form plus ing plus object। इसका मतलब क्या है? हम subject के हिसाब से is, am, are में से कोई एक चीज लगाएंगे। अगर एक जना है तो is, अगर खुद की बात कर रहे हैं तो am, अगर बहुत सारे लोग हैं तो are। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। जब काम चल रहा होता है तो हम वर्ब में ing लगा देते हैं। जैसे सिंग, सिंगिंग, कुक, कुकिंग, प्ले, प्लेइंग, ड्रॉ, ड्रॉइंग। ing लगाने से हमें पता चलता है कि ये काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है, इसलिए टेंस कॉन्टिन्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर गोइंग टू स्कूल, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, द बॉयज आर ईटिंग स्नैक्स। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो काम पास से चल रहा है और अभी उसमें प्रेजेंट के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसमें प्रेजेंट का एलिमेंट है। मतलब जो काम पहले से हो रहा है या तो वो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है या वो प्रेजेंट में अभी है। ख़त्म हुआ है मतलब हम किसी काम से रेफर करते हैं। इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। इसका हम रूल समझते हैं। परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज़ या हैव लगता है प्रेजेंट में। जब हम ये बता रहे हैं कि वो काम पास्ट से चल रहा है, उसमें थोड़ा पास्ट का एलिमेंट भी है बट वो प्रेजेंट में है, अभी है, तो इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, वो काम पहले से कर रहे थे और वो काम अभी ख़त्म हुआ है। आई हैव कम्प्लीटेड द असाइनमेंट। शी हैज़ ब्राउन आइज, उसकी ब्राउन आइज पहले भी थी और अब भी हैं। ही हैज़ लिव्ड मोर देन 80 ईयर्स, वो 80 साल से ज़्यादा जिए हैं, अभी भी जी रहे हैं, वो ज़िंदा हैं। इसलिए हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और लास्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम पास से चल रहा है, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम अभी रुक गया था, अभी ख़त्म हो गया था, उसमें प्रेजेंट का हल्का सा एलिमेंट था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो काम प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू हो रहा है, अभी चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे हमने देखा था कि वर्ब में आईएनजी लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब ये काम चल रहा है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। देखते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव हमने लगाया है क्योंकि ये परफेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। बीन हमने लगाया है ताकि हम हैज़ हैव और आईएनजी वाले वर्ब को साथ में रख सकें। हम बीन को कंजंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा टाइम एलिमेंट आता है। टाइम एलिमेंट क्या होता है? सेंटेंसेस में हमें पता लगता है कि ये काम कब से हो रहा है। इसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अलग से मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें मैं सिंस और फॉर को एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव बीन टेलिंग यू नॉट टू डू सो, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ऐसा मत करो। इसका मतलब ये है कि वो पहले से बता रही हैं कि ऐसा मत करो और अभी भी वो बता रही हैं। दे हैव बीन वर्किंग सिंस 2 days, वो काम अभी भी कर रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं और अभी भी वो काम चल रहा है। राम हैज़ बीन गोइंग टू जिम रेगुलरली सिंस 1 month, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर आवर्स। तो आज के लेसन में हमने सीखा प्रेजेंट टेंस। मैं पास्ट और फ्यूचर के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसके लिए एक्सरसाइज चाहिए प्रेजेंट टेंस के लिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अलग से एक वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।